साफ करके धो लिया है। फिर मैंने आलू काट लिया है बारीक। यहाँ पे लहसुन को दरदरा कूट ली हूँ। यहाँ पे दो बड़े साइज का कांदा है उसे मैंने काट लिया है और यहाँ पर एक टमाटर को मैंने काट लिया है। कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर तेल डालती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। तो चलिए अब इससे तड़का देते हैं। आप इसे मेथी दाने से भी तड़का दे सकते हो। मैं फौरन से तड़का दे रही हूँ क्योंकि मेथी नहीं है मेरे पास, तो इसमें सारा मिक्स है तो इससे मैं तड़का दे रही हूँ। अब इसके अंदर डालती हूँ कांदा। कांदे का कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब इसे फिर से हम चला लेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर और लहसुन को मैंने दरदरा कूटी हूँ। लहसुन डालेंगे। अब लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। मैंने सिर्फ लहसुन को दरदरा कूट ली और टमाटर एक कटा हुआ डाल दिया इसके अंदर और अब इसे मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इसे चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी जो हमारा है सॉफ्ट हो चुका है और कांदे का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर डाल दें कढ़ाई के अंदर और अब इसे मिक्स कर लेंगे, चला देंगे। तो इसे हमने एक दो मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं कटा हुआ आलू और इसे भी मिक्स कर देंगे, चला देंगे इसी तरह से। यहाँ पे देखिए हमने मसाला निकाल लिया है। यहाँ पर है गरम मसाला, है सारा मिक्स है गरम मसाला ये, और यहाँ पे है लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पे है हल्दी। अब मैं इस मसाले के अंदर पानी डालकर मसाले और पानी को मिक्स कर लूँगी। मैंने हरी मिर्च नहीं काटा था, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मसाले और पानी को हमने मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई के अंदर डालेंगे। थोड़ा इसे पहले चला लेते हैं, फिर हम मसाले डालेंगे। तो पानी में मिक्स किए हैं और चला देंगे। अब इसे मसाले के साथ में मिक्स कर देंगे धुंगे को। अब इसके अंदर और पानी डालेंगे थोड़ा सा। देखिए मैंने इतना पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं और इसे चला देंगे अब। और इसे अब ढक देंगे हम थाली से। तो इसे हम थाली से ढक देंगे, देखिए इस तरह। तो चलिए चेक करते हैं हो गया है कि नहीं। गैस का फ्लेम जो है मैं एकदम मीडियम कर दी हूँ। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और एकदम सूखा बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा है सालन है थोड़ा सा। देखिए आलू एकदम गल चुका है, हमने जितना पानी डाला था उतने पानी में आलू एकदम परफेक्ट गल चुका है। अब इसके अंदर कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डालती हूँ मैं। आपको अगर एकदम सूखा बनाना है तो आप एकदम सूखा भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा सालन रहने दिया है। अब इसके ऊपर हरी धनिया की पत्ती कटी हुई डाल रही हूँ। आलू हो चुका है इसीलिए गैस का फ्लेम जो मैं बंद करती हूँ। तो देखिए छोटा झींगा बनके तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये और झटपट तरीके से बन जाता है ये। आप इसे मतलब चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो आप इसे। मैंने थोड़ा सालन रहने दिया है क्योंकि मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको, झींगा की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है।